हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज है ना, मैंने ना जोया है बहुत सारा, खड़दे की आवाज़ आई है तो ये सूख गया अच्छी तरीके से। मम्मी, इसको बढ़ना है या नहीं बढ़ना है? तो ये कह रहे हैं मम्मी कि कल की धूप और लगानी है, और कल को धूप धूप लगा करके इसको रखवा देना। कन्नू सुबह सुबह रोज के बैठा है, क्योंकि चाहिए थे कन्नू को दाल चावल, कड़ी चावल चाहिए थे, और कड़ी चावल डॉक्टर ने मना किया कन्नू खाने के लिए, तो इसकी मम्मी ने उससे मिलते जुलते दाल चावल बना दिए। तो दाल चावल चलेंगे? ना, नहीं चलेंगे भाई, बड़ा साहब है, इसकी माननी पड़ती है, आजकल इसे चलते हैं। और वैसे तो छुट्टी थी सभी लोगों की, पर प्राइवेट जॉब है कि मेरे मुझे जाना पड़ जाता है कभी कभी। गोभी ने भी मेरे लिए लंच वंच बना दिया है अच्छी तरह से, और थोड़ा सा लेट तो हो गया हूँ, पर छुट्टी के दिन लेट ही चलता है। तो चलिए जी, अभी चलते हैं अपने ऑफिस। और आज सुबह सुबह नल का पानी में लग गए थे, जिस कारण और भी टाइम लग गया। वो तो मिस्त्री है, सुबह सुबह आ गया था करने के लिए, तो एक मजदूर की ज़रूरत थी, जो कि वो काम मैंने कर दिया था पूरा, मैंने और भी बोर्ड ने दोनों ने मिल के जोड़ लगा के नल के वो बाहर निकाल दिया। वो चल तो रहने था 7-8 साल से, वो खड़ा ही था, तो उसे खड़े रहने का कोई फायदा नहीं था। मम्मी सोच रही थी कि इसको निकलवा देते हैं, और कन्नू ने देखा कि जो हमारा जो नलका है वो आकाश तक चला गया था। है कन्नू, तो मेरे हाथ में आ गया है नाश्ता, और मैं बस एक करके निकलता हूँ ऑफिस। ऊपर छत पे आकर ही एक अलग ही सुकून मिल रहा है। इधर तेरा तिरंगा भी हमारा जो है फैल रहा है, फहरा रहा है, और हवा भी हल्की फुल्की सी चल रही है। ये नहीं है, तेज भी नहीं बोल सकते और कम भी नहीं बोल सकते। अच्छा, और अच्छा खासा माहौल हो रहा है ऊपर छत का, और वाणी का इस छत पे जाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए कितनी खुश है यहाँ पे आके, दांत आ गए हैं ऊपर के, इसके 6 दांत आ गए, और नीचे के और 2 ही है अभी तक। नीचे के 2 ही दांत है, उनमें उंगली फेरती रहती है और कुछ नहीं करती है। ये चलना इसने सीखा नहीं है अभी तक बिल्कुल भी। और चलो मैं इसको थोड़ी देर के लिए नीचे भी छोड़ दूँ ना, तो मिट्टी खाने की कोशिश करती है ये। ये देखो जी कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ऊपर छत पर तिरंगा भी फहरा रहा है हमारा। और वानी का इधर टैंक के पास में खेल रही है यहाँ पे। हाँ पा, ओ कितनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, इधर देख रही है पेड़ों को हिलते हुए, पक्षियों को इधर उधर जाते हुए, तो इसका मन लग रहा है ऊपर छत पे आके। रोती नहीं है बिल्कुल भी ये ऊपर, तो इधर उधर देखती है कि हाँ कितने सारे घर हैं, इस घर से अलावा भी एक और कितने सारे घर हैं, तो देखती होगी ये करने इसके मन में कौन कौन से सवाल गूंजते होंगे। बता तो सकती नहीं हमें, बस मम्मा पापा बाबा माँ ये कहना आया बस इससे अभी तो। ये है चिड़िया, और बहुत सारी चिड़िया देखो इधर से उधर झुंड में घूम रही है। बाप बाप पापा बापा पापा पापा बोलना, बाबा बोल दो, बाबा बाबा बोल के दिखाइए वाणी का। बाबा बाबा इधर उधर देख रहे पिल्ले, और बहुत दूर से पिल्ला दिखाई दिया तो वहाँ पे देख रही है पिल्ला, और उसे आवाज़ लगा रही, कैसे मारेगी पिल्ले के, कैसे बुलाओगी? बुला ले अपने पास, बुला ले उसे, बुलाइए पिल्ले को, वाणी का पिल्ले को बुला ले। ऐसे मारेगी पिल्ले का, बताओ इसकी माँ ने मारना सिखा दिया ऐसे, और बुलाना मैंने सिखाया था बुलाना, बुलाइए बेटा। पता नहीं क्यों गलत बात बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं, और है ना अच्छी बात है, बहुत मुश्किल से सीखते हैं। राधे राधे करियो, राधे राधे भी ऐसे ही करती है, बुलाती तो ऐसे 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 बुलाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, बुलाइए बाबू पिल्ले को बुला लो, बुलाइए। बारिश आई थी 10 मिनट के लिए सिर्फ, और सारी जगह मिट्टी मिट्टी हो गई है, फर्श वगैरह बहुत अच्छे से साफ किया था जब नल का पाड़ा था, उससे पहले भी साफ किया, जब नल का पाड़ के चले गए वे तो उसके बाद भी साफ किया था, लेकिन सारे को फिर से गंदा हो गया है। अभी दूसरी चुनौती है ये फर्श पे साफ करना, और कपड़ों की तह यहाँ पर बना लिया, क्योंकि मम्मी ने सारे के सारे कपड़े बारिश से पहले उतार दिए थे, और मैंने इनकी तह बना दी, कपड़ों की तह बना दी है। चादर अभी ओढ़ रखी थी मम्मी ने और कन्नू ने, इनकी तह नहीं बनाई है, तो अंदर भी दिखा देते हैं। अंदर साफ सफाई कर ली थी मैंने सुबह ही, लेकिन जब हम यहाँ पे लेटते हैं ना, तो वाणी का कन्नू कुछ ना कुछ फैला ही देते हैं, जैसे गिटार पड़ा है, साइकिल पड़ी है, टेडी बियर कहीं और है, ये यहाँ पे थोड़े बहुत है, मेरा चश्मा भी है, मेरा क्लचर भी है यहाँ पे। बारिश में ना जो जूतों की रैक है ना, हमें यहाँ पे रखनी पड़ती है, क्योंकि बारिश में सारी भीग जाती है और सारे जूते भीग जाते हैं, तो कल को कन्नू पहन के जाएगा जूते अपने, तो ये भी साफ़ सुथरे करके रख रखे थे, इसीलिए मैं पहले ही बारिश ना लगे इनके, तो इसलिए पहले ही उठा लिए थे ये। तो
ये है ना काफ़ी पुरानी वीडियो है जो मैं दिखा रही हूँ आज आपको, और ये है ना उस दिन की वीडियो जिस दिन चाचा जी को चोट लगी थी। उस दिन हम बहुत खुश थे और सारी जगह साफ सफाई भी कर रहे थे। वानिका के बर्थडे की जो तैयारी है वो भी चल रही थी। और ये है ना कन्नू के ताऊ जी बहुत अच्छे अच्छे पौधे लेकर के आए थे। कन्नू बहुत एक्साइटेड रहता है जब भी इसके ताऊ जी है ना कुछ भी लेकर के आते हैं, और वे पौधे अपने हाथ से लगवाता है। साथ में बहुत हेल्प भी करता है, पानी लेकर के आता है, मिट्टी तैयार कराता है, और उनके बारे में पूछता है कि इनके इन पे कैसे फूल आएंगे, किस तरीके से इनको लगाया जाता है, बहुत ही ध्यान से। मुझे लग रहा है जब कन्नू के ताऊ जी है ना ये काम नहीं करेंगे तो कन्नू उनकी ड्यूटी संभाल लेगा पूरी अच्छे तरीके से। और साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखते हैं ये कि कहाँ पे साफ है, कितना गंदा पड़ा है, कहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, तो इसीलिए इनके आने से पहले ही पूरी साफ़ सफाई कर दी जाती है। अगर वहाँ पर तो थोड़ा भी गंदा कर रखा है कन्नू ने या वाणिका ने, थोड़े से फैला देते हैं ना सामान वगैरह, तो इनके आने से पहले वो सारी की सारी चीज़ें हटा दी जाती हैं, नहीं तो इनको बहुत गुस्सा आ जाता है ये सब चीज़ें देख करके। तो अभी है ना कन्नू इनके साथ में लगा हुआ है और पूछ रहा है कि ये पौधे किस तरीके के हैं। तो हमें यहाँ पे पता भी नहीं था कि चाचा जी को इतनी बड़ी चोट लग गई है, अभी तक नहीं पता था ये देखिए। और फिर कन्नू के पापा के पास में इसके बाद फोन आया था, तुम्हें है ना हमें ऐसे ही छोड़ के, और कुछ नहीं बताया था, बस ऐसे बताया था कि चोट लग गई है। नहीं हमें वीडियो के बारे में पता था कि वीडियो इनके पास आई है या नहीं आई है। डॉक्टर के पास चले गए थे, और डॉक्टर के पास आने के बाद में हम सुबह गए थे चाचा जी के पास। मैं पूरा दिन मैं वहाँ पे रही हूँ, 7 बजे से निकल के 9 बजे तक, रात के 9 बजे आई थी मैं घर पे वानिका के पास। तो अभी तो ये देखिए पौधे सारे के सारे लग चुके हैं, और बस अभी इनको अच्छी तरीके से इनकी प्रॉपर जगह पर रखने बाकी रह गए हैं। कन्नू बहुत खुश है और पूछ रहा है अपने ताऊ जी से बार बार कि ताऊ जी ये पौधे को आप कहाँ पे रखोगे और किस तरीके से एडजस्ट करोगे। तो अभी ये लगा देंगे अपने जगह पे जहाँ पे इनको अच्छा लगता है वहाँ पे रखते हैं ये पौधे। ऐसे नहीं है कि मम्मी के कहने से रख देंगे इधर उधर। तो ये देखिए तो तुलसा का पेड़ अपना दूसरी जगह चेंज कर दिया है, और ये फ्लावर जो है अलग अलग शिफ्ट कर दिए हैं। तो सब कुछ अपने तरीके से रखते हैं। और ये वीडियो है वानिका के बर्थडे की। वैसे तो हमने बर्थडे वर्डे कुछ सेलिब्रेट नहीं किया था, लेकिन कन्नू के जो फूफा जी है, वानी के जो फूफा जी है, वे केक लेकर के आ गए थे, टोफे लेकर के आ गए थे, समोसे वगैरह लेकर के आ गए थे, सारी चीज़ें। तो वे शाम के समय ही आए थे, और शाम के समय सारी चीज़ें खुद से ही लेकर के आए थे। मैंने तो सबको मना ही कर दिया था कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर सब अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि संजो दीदी को भी इनवाइट करना था, जोली दीदी को भी, और मंजो दीदी तो इतनी एक्साइटेड थी। मैंने उन्होंने सुबह फ़ोन किया था मेरे पास में, तो और वे कह रही थी कि वानिका का बर्थडे है आज, तो वानिका को विश करना है मुझे। मैंने कहा हाँ वानिका का बर्थडे तो है, पर दीदी इस बार सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, और इस बार तो हम बर्थडे नहीं मना रहे हैं इसका, वानिका का। तो कहने लगी नहीं नहीं बर्थडे मनाओ या ना मनाओ, मैं तो आऊँगी फिर भी। और फिर मैं बर्थडे मतलब खुद से ही मनवा करके गई थी, मिक्स सब्ज़ी बना दी थी, पनीर मंगा करके, और सारी चीज़ें तैयार कर दी थी। फिर जैसे ये फूफा जी आए थे इनके, और वाणी का अपने बर्थडे को अच्छे से इंजॉय भी कर रही है, ये क्लैपिंग कर रही है हैप्पी बर्थडे करके। और मैंने भी फिर कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि मम्मी है ना कहने लगी कि चल जब ये सब कर ही रहे हैं तो अपने कपड़े भी चेंज कर ले। वैसे मेरा मन तो किसी भी चीज़ के लिए एग्री नहीं थी। और ये देखिए कन्नू ने है ना चाकू जो मतलब बर्थडे बर्थडे सब हो गया है इतनी जल्दी ही, और कन्नू ने चाकू जो है झुट्टा कर दिया है। तो मैंने है ना इसको डांट लगाई थोड़ी सी, और फिर दूसरा चाकू लेकर के आए हम इसको साफ करके अच्छे से, दूसरा मतलब मांझ वांझ करके लेकर के आए थे, और फिर कटिंग करके दिया है। तो कन्नू है ना कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, शरारतें बहुत ज़्यादा कर रहा है। पिताजी भी आ गए अपनी पोती को विश करने के लिए, और इनका है ना बहुत ही मन लगता है वानिका का, इतनी केयर करते हैं ना पिताजी बहुत ज़्यादा, सारा दिन भी रख लेंगे पिताजी इसको, और कभी उसमें हाथ लग जाता है केक में, कभी कुछ हो जाता है। और ये मम्मी ने थोड़ा टेस्ट करा दिया है वानिका को केक, और अब सब बच्चों को दे दिया जाएगा। आर्यांश वेदांश को भी लास्ट टाइम पे ही आवाज़ लगाई थी, क्योंकि मन तो किसी चीज़ का था नहीं, और फिर भी सेलिब्रेट ठीक ठाक से हो गया वानिका का बर्थडे। इसी के साथ में कर देते हैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद।